हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस आज की नॉन एडिटेड वीडियो सेक्शन में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये रहेगी। बुलेटों से रिगार्डिंग दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर समझाने वाला हूँ कि मोस्टली जो चीजें यहाँ पर किस तरह से रहेंगी, कैसे आप पर स्लॉट्स रहेंगे, किस तरह से इनकम होगी, सारी डिटेल्स में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप यहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और बहुत ही जो भी चीजें मोस्टली यहाँ पर होंगी वो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और यहाँ पर फ्यूचर में मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, तो हमारे चैनल पर सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर आप सभी के सामने वो डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों एक्टिव अपलाइन में बार बार यहाँ पर इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं आप बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपने कोई भी प्लान यहाँ पर किया हो आपको उसकी पावर के बारे में जरूर पता लगा होगा कि अगर आपका अपलाइन यहाँ पर अच्छा है तो वहां से आपको अच्छी इनकम होगी। लेकिन ये प्लान यहाँ पर अपने आपको प्रूव करने वाला है कि बुलेटो जिसमें आपकी जो अप्लाई है वो एक्टिव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे अप्लाई यहाँ पर ना आप सिलेक्ट कर ले कि सिर्फ लिंक उसका मिल गया और फिर वो आपको फ्यूचर में पता लगेगा। अभी मेरे कहने की बार बार जरूरत नहीं है लेकिन उसके बारे में आपको फ्यूचर में पता जरूर लग जाएगा। अब देखिए आप सभी को पता है कि बुलेटो यहाँ पर 10 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। बुलेटो अब से पहले लॉन्च हो रहा था 20 जुलाई को, लेकिन वहां पर जो को लीडर्स है उन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी में इस तरह से फैसला लिया गया है, हम अपने टीम को कैसे बताएंगे, कैसे उनके समझाएंगे, तो मोस्टली लोगों को उनके बारे में नहीं पता था। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें अपने नीचे ऑडियंस तक बताने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास में वो ऑप्शन है। तो मैंने तो उसी दिन यहाँ पर लगभग 6 से 7 वीडियो बना करके यहाँ पर सारा डिटेल वाइज समझाया था कि किस तरह से यहाँ पर आपको बी बॉन्ड बाई करना है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। मोस्टली यहाँ पर सारी चीजें मैंने यहाँ पर 20 और 21 की जो नाइट और डे को मिला करके 6-7 वीडियो आप सभी को यहाँ पर दी थी और लोगों ने उन्हें देखा भी, समझा भी और वहां से बॉन्ड्स भी यहाँ पर बाय किए हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर बुलेटो में जो पार्टिसिपेशन होगा वो यहाँ पर बी बॉन्ड के थ्रू होगा। अब बी बॉन्ड के लिए आपको करना क्या है, कैसे आपको उसके खरीदना है, देखिए फिलहाल के समय पर मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पर आपका एल बैंक एक्सचेंज। एल बैंक एक एक्सचेंज है, प्ले स्टोर पर आप जाइए, एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और USDT यानी डॉलर आपके पास में होने चाहिए और उस डॉलर को आपको एल बैंक पर ले जाना है। अब एल बैंक पर जब आप अपने USDT को ले जाएंगे, USDT को एल बैंक पर ले जाएंगे, अब उस USDT के थ्रू आप बाई करेंगे यहाँ पर BFIC। USDT के पेयर में ही आपको वहां पर BFIC मिल जाएगा। तो BFIC आपको सबसे पहले एल बैंक से परचेज कर लिया, सिंपल है, 5-7 मिनट का प्रोसेस है जो यहाँ पर क्रिप्टो फील्ड में है, तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो फील्ड में नहीं भी है तो आपके पास में अभी टाइम है, आप बाइनेंस से P2P या जैसे भी फोन पे पेटीएम के थ्रू भी आप USDT बाई करके एल बैंक पर ट्रांसफर करके वहां से BFIC खरीद लीजिए, क्योंकि अभी रेट कम है, वरना $39-40 के आसपास तक यहाँ पर BFIC का रेट चला गया था। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $24 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो BFIC मान लीजिए आपने यहां से खरीद लिया, अब उस BFIC को आपको ट्रांसफर करना है bbonds.io। आप गूगल क्रोम पर जाइए, वहां पर आप लिख दीजिए bbonds.io, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो bbonds.io पर आप जाइए, वहां पर अपना नाम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, अब वहां पर वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट में जाकर डिपॉजिट में आप जाइए और BFIC को वहां ट्रांसफर कर दीजिए bbonds.io पर। ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद में वहां से आप उसे परचेज कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने कैसे परचेज करना है इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। 21 जुलाई को ही मैंने वो वीडियो वहां पर अपलोड की हुई है। अब bbonds.io पर जाकर के आपने बॉन्ड को परचेज करके रख लेना है, बस इतना काम फिलहाल आप करके रख लीजिए। उसके बाद में मेटामास्क से आपको उसे कनेक्ट करना है। USDB और बी बॉन्ड्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह है वो सभी मैं यहाँ पर
ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस भी मिल जाएंगे जो अभी जरूरी है। बाकी 10 अगस्त को आप सभी को पता होगा कि जब ये लॉन्च होगा उससे पहले मैं आपको सारा एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन करना है। तभी तो मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही लिंक यहाँ पर आएगा 10 तारीख में या जब भी ये लॉन्च होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को उसके बारे में अपडेट मिलती रहेगी, और वो अपडेट मिलनी इसलिए आप सभी को जरूरी है। एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर विजन और मिशन के साथ में अगर आप यहाँ पर एक अच्छे लीडर के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त इनकम यहाँ से बुलेटों से आप ले पाएंगे। अब बी बॉन्ड्स आपके पास में हो गए, तो अब यहाँ पर आपको परचेजिंग कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर दो क्लब है, पहला है यहाँ पर ए क्लब यानी ए क्लब मैट्रिक्स, दूसरा है यहाँ पर बी क्लब मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब ए क्लब मैट्रिक्स हो गया, ए क्लब मैट्रिक्स में आप पीडीएफ भी ओपन करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं बाद में समझने के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ए क्लब मैट्रिक्स ये जो स्लॉट्स रहेंगे इसमें 8 स्लॉट है, ये आपके वर्किंग स्लॉट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग यानी कि जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, एज ए लीडर भी आप चाहे यहाँ पर आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करें, दो व्यक्ति को ज्वाइन करें, यानी कि वहां से आपको लीड मिलेंगी। और बी क्लब मैट्रिक्स एक नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं, यानी कि आपके अप्लाइंस से भी आपके यहाँ पर बारंबार आ रही मिलेगी। और जितना एक्टिव होगा अप्लाइन, यानी जितने डायरेक्ट अप्लाइन आपका मारेगा, उतने ज्यादा डायरेक्ट के थ्रू आपको वहां से इनकम मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए क्लब में जो शुरुआत होगी वो आपकी 0.001 BTC, BTC की वैल्यू यहाँ पर इसलिए है क्योंकि एक BTC अप्रोक्स यहाँ पर $30 के अप्रोक्स में यहाँ पर एक बी बॉन्ड की वैल्यू रखी गई है, यानी कि 0.001 BTC इज इक्वल टू 1 बी बॉन्ड और 1 बी बॉन्ड इज इक्वल टू $30, यानी कि $30 का आपका पहला एक स्लॉट रहेगा। आप समझ गए होंगे, $30 का आपका एक स्लॉट रहेगा और एक स्लॉट की वैल्यू एक बी बॉन्ड है, और ये यहाँ पर 0.001 से आपका पहला स्लॉट रहेगा ए क्लब में। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लॉट अगर आपको परचेज करना है तो 0.002 यानी कि दो बॉन्ड लगेंगे, पहला एक स्लॉट में आपका एक भी बॉन्ड, दूसरे स्लॉट में आपके दो भी बॉन्ड, तो इसी तरह से आपके BTC और USDB भी लगेंगे। ठीक है, USDB भी आपके यहाँ पर चार्ज होंगे, एक स्लॉट के लिए एक USDB, दूसरे स्लॉट के लिए दो USDB, तीसरे स्लॉट के लिए चार USDB, तो इस तरह से वो भी चार्ज यहाँ पर आपको होंगे। तो आपको मान लीजिए अगर 3 या 4 स्लॉट भी परचेज करने हैं एक क्लब के, मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में भी। अब यहाँ पर ये वैल्यूएशन दी हुई है सारी की सारी, 0.001 BTC, 0.002 BTC सेकंड स्लॉट के लिए, 0.004 BTC थर्ड स्लॉट के लिए, 0.008 BTC यहाँ पर आपका फोर्थ स्लॉट के लिए, पांचवे के लिए 0.016 BTC और छठे के लिए 0.032 BTC। BTC का मतलब आप यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, आप ये जो 1, 2, 4, 8 इस तरह से लिखा हुआ है ना, इसको आप एक बॉन्ड के रूप में भी आप काउंट कर सकते हैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में, एक समझने के लिए और समझाने के लिए। यानी कि 0.001 का मतलब हो गया 1 BTC, 0.002 का मतलब हो गया 2 बॉन्ड, और 0.004 का BTC का मतलब हो गया 4 बी बॉन्ड, 0.008 का मतलब हो गया आपका यहाँ पर 8 बी बॉन्ड। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर इसे समझने के लिए समझ सकते हैं। जितने भी स्लॉट्स आपको बाई करने हैं उतने बी बॉन्ड आपके पास में होने चाहिए, और USDB भी आपके पास में उस स्लॉट के अनुसार आपके होने चाहिए। ये ए क्लब हो गया। इसी तरह से दोस्तों फिर बी क्लब है, बी क्लब के लिए 0.001 यानी कि एक बी बॉन्ड से आपका यहाँ पर पहला स्लॉट यहाँ पर परचेज होगा बी क्लब का। उसके बाद में दो बी बॉन्ड से आपका सेकंड स्लॉट परचेज होगा बी क्लब का, और 0.006 BTC यानी कि आपके 6 बी बॉन्ड लगेंगे तीसरे स्लॉट को परचेज करने के लिए बी क्लब मैट्रिक्स में। ठीक है, इसी तरह से 24 बी बॉन्ड लगेंगे आपके यहाँ पर चौथे स्लॉट में बी क्लब का, यहाँ पर अगर आपको स्लॉट हो परचेज करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बाद में भी सारे पीडीएफ में भी है, पीडीएफ के थ्रू भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको अर्निंग कैसे होगी, ये देखिए एक क्लब है, एक क्लब का जो मैट्रिक्स है उसका यहाँ पर एक चार्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो इसी तरह से यहाँ पर सारी की सारी इनकम यहाँ से आपको मिलेगी। ये एक क्लब के लिए है, और बी क्लब के लिए भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। अब ये ऊपर यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो इस यू में मान लीजिए आप है, मान लीजिए यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, आप मुझे यहाँ पर काउंट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर पहला यहाँ पर जैसे ही एक डायरेक्ट किया, ये मैंने पहला डायरेक्ट किया, तो इसका अर्निंग जो होगा वो मेरे अपलाइन को चला जाएगा। दूसरा मैंने डायरेक्ट किया, उसका अर्निंग मेरे फिर अपलाइन को चला जाएगा, जो भी अपलाइन होंगे उस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा। अब मैं जैसे तीसरा मेरे डाउन में यहाँ पर व्यक्ति आया, ये इसकी अर्निंग मुझे होगी, इसकी अर्निंग मुझे मिलेगी। चौथा मैंने डायरेक्ट
डायरेक्ट किया तो इसकी अर्निंग फिर मुझे मिलेगी, पांचवा डायरेक्ट किया इसकी अर्निंग भी मुझे मिलेगी, और छठा डायरेक्ट होने पर ये स्पिल ओवर हो जाएगा और रिसाइकिल यहाँ से हो जाएगी, यानी बारंबार यहाँ से फिर अर्निंग होगी। जैसे फिर मेरा पर सातवां आठवां नौवां दसवां जितने मेरे डायरेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते चले जाएंगे तो उतनी बारंबार यहाँ से मुझे इनकम यहाँ से मिलती चली जाएगी, मुझे भी मिलेगी मेरे अपलाइन को भी मिलेगी, और ये स्पिल ओवर के थ्रू किसी को भी मिल सकती है जहाँ पर प्लेसिंग होगी, ऊपर से लेके नीचे की तरफ चलेगा और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर सारी सारी अर्निंग होगी ए क्लब से। ए क्लब का आप समझ गए होंगे, इन दोनों जो स्लॉट्स हैं ये वाले जो एरियाज हैं जहाँ से ये जब ये कंप्लीट होंगे जो भी मेंबर्स मेरे डाउन में डायरेक्ट आएंगे तो ये यहाँ पर प्लेस होंगे ऑटोमेटिकली। तो इनकी अर्निंग यानी कि दो अर्निंग अप्लाइन को, ये तीन अर्निंग मुझे मिलेंगी, और ये लास्ट वाली जो इससे स्पिल ओवर होके ये किसी को भी मिल सकती है, उसमें आप भी हो सकते हैं, कोई भी व्हाटएवर यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो ए क्लब हो गया, इसी तरह से अगर बी क्लब की काउंट करें यहाँ पर, अब बी क्लब में दोस्तों यहाँ पर जो ये स्पिल ओवर था ये यहाँ से हट जाएगा और ये इनकम मुझे जाएगी, यानी कि अगर मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये स्पिल ओवर आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में, स्पिल ओवर और रिसाइकल ये तो आ जाएगा ये लास्ट वाली उससे। अब ये जो इनकम है देखिए, ये वाली इनकम, ये वाला मेंबर जैसे ही आएगा बी क्लब में, यहाँ तक तो बी क्लब में भी सेम रहेगा, जैसे मेरे डाउन में पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आने पर अपलाइन को इनकम, फिर यहाँ से इसकी और ये वाली इनकम मुझे मिलेगी, ये इनकम मुझे मिलेगी, इसके आने से मुझे मिलेगी और इसके आने से मुझे मिलेगी, उसके बाद में ये व्यक्ति जैसे ही आएगा ठीक है मेरे डाउन में, तो ये जो इनकम मिलेगी ये मेरे डाउनलाइन में ही जाएगी, ये ऑटोमेटेड सारा सिस्टम ये रहेगा, ये डाउनलाइन में यहाँ पर डी लिख दे रहा हूँ, ये इनकम मुझे मिलेगी, ये इनकम मुझे मिलेगी, फिर ये मेरे डाउनलाइन में जाएगी, ये इनकम मुझे मिलेगी, ये इनकम मुझे मिलेगी, फिर ये मेरे डाउनलाइन में जाएगी, और ये लास्ट वाला स्पिल ओवर और रिसाइकिल के लिए यहाँ पर फिर चला जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस था यहाँ पर, आप इसके बारे में जरूर समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बी क्लब से भी आपको जबरदस्त बेहतरीन इनकम मिल सकती है। आपके ऊपर है अब ये कितने स्लॉट्स आप यहाँ पर बाई करेंगे, आप यहाँ पर मैक्सिमम चार चार स्लॉट्स तो कम से कम आप बाई करने की कोशिश कीजिएगा, और उससे कम करना चाहते हैं दो स्लॉट लेना चाहते हैं तो दो ले सकते हैं, तीन लेना चाहते हैं तीन ले सकते हैं, या एक लेना चाहते हैं एक ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इतना ज्यादा बड़ा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पर स्लॉट्स बाय करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप यहाँ पर इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक